और रमजान की आमद से पहले मदीन में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। बनस्पति घी की फी किलो कीमत 500 रुपए हो गई है। आटे का 20 किलो का थैला 1500 रुपए का हो गया है। इसी हवाले से मजीद आपको बताएंगे आका बदरसई। जी आका जी, बिल्कुल, महंगाई का दिन मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो गया है। रमज़ानुल मुबारक के आमद से पहले ही रोज़मर्रा की अशिया खुदनोश की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। अगर बात की जाए घी की, तो घी का फी किलो रेट ओपन मार्केट में 500 रुपये जा पहुंचा है। 20 किलो का आटे का थैला जो 1500 रुपये का हो गया है। अगर बात की जाए सब्जियों की कीमतों की, तो सब्जियों की कीमतों को भी पड़ लग चुके हैं, जिसके बाद मुल्क के दीगर शहरों की तरह ज़िला मदीन के शहरियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है, जबकि शहरियों का यह भी कहना था कि दुनिया भर में रमज़ानुल मुबारक के आमद पर आवाम को रिलीफ दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक के आते ही जो है महंगाई बढ़ा दी जाती है। जबकि टमाटर, भिंडी या मुर्गी का गोश्त या बकरे का गोश्त हो, वो आवाम की पहुँच से दूर है। जबकि शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रमज़ान के बाबरकत महीने में आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी आका बदरसई, आपका बहुत शुक्रिया।